कल हम लोग को सूचना मिली थी, तो सूचना मिलने के तुरंत बाद हमारी चार टीम वहाँ से रवाना हुई थी और रात को ही हमारी टीम स्पॉट पर पहुँच के पूरी रात और कल पूरी दिन तक कार्य करती रही, कल रात तक वर्क करती रही है सर। फिर हम लोगों ने आज अभी घटनास्थल पहुँच चुके हैं और जस्ट ऊपर चढ़ने के बाद हमारा कार्य नियंत्रण जारी ही रहेगा सर। इनफैक्ट कल भी हमारी टीम चार टीम्स इन्वॉल्व थी पूरे सर्च एंड ऑपरेशंस में। आज भी हमारी रणनीति ये रहेगी कि हम ग्रेजुअली ये जो एरिया है 200 बाय 200 मीटर्स या यूं कहिए 250 बाय 200 मीटर जो लैंडस्लाइड अफेक्टेड है उसको हम डिफरेंट जोन डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट वर्क साइट में बांटेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल जो वहाँ पे थे, क्योंकि वो ज़्यादा बता सकते हैं कि इस घर में इतने लोग रह रहे थे, उनकी मदद से उनकी बॉडियों को रिट्रीव करने की धीरे धीरे कोशिश करेंगे। और इस प्रक्रिया में आज हमने कल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिक्वेस्ट किया था कि इसमें हमें मैन पावर बहुत चाहिए, तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना है और हमारे साथ इस रेस्क्यू अभियान में और बहुत सारी एजेंसीज जुड़ी हैं और जो कर रही हैं, तो इससे बॉडीज़ को निकालने और रिट्रीव करने में तेज़ी आएगी। ऊपर जब आप जाते हैं हिलॉक पे जाते हैं जो कि यहाँ से अबाउट 3 किलोमीटर है और करीब 1.5 से 2 घंटे की चढ़ाई है और स्टीप चढ़ाई है, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विंडी है। इट्स जस्ट लाइक द विंड स्पीड माइट बी 40 to 50 knots, उससे ज़्यादा स्पीड है, तो वो एक चैलेंज है। और सबसे बड़ा चैलेंज है इसमें नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हैवी मशीनरी, जिसके लिए ये नहीं है कि वहाँ आई मतलब पहुंच सकती है तो आई नहीं, वहां पहुंच ही नहीं सकती टेरेन की बनावट को देखते हुए, वेदर कंडीशंस को देखते हुए। द हैवी मशीनरी इज नॉट अवेलेबल, तो वर्क हैज़ टू बी डन ग्रेजुअली मैनुअली, बिकॉज रेनफॉल होने की वजह से जो मड है स्लश है वो फ्लो होने लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी रेनफॉल हो रही है, द अर्थ जो है इज स्टिल अनस्टेबल, तो दिस मे कम इन फॉर्म ऑफ अनदर लैंडस्लाइड, तो हमें उसकी भी सुरक्षा रखनी है कि वो लैंडस्लाइड अगर कोई और आए तो हमारे काम करने वाले लोग, हमारे साथ के जो और काम कर रहे हैं वो सुरक्षित। जो सर्च का जो काम होता है, हमारे 3 प्रकार का सर्च होता है सर। पहला होता है सर जो हम लोग टेक्निकल सर्च करते हैं, तो टेक्निकल सर्च यहाँ पर करने का कोई मतलब वो है नहीं सर। दूसरा होता है सर कैनन सर्च, हमारे पास 3 डॉग आई थी, कल भी आई थी और अभी भी आ रही है सर, और कैनन सर्च होगा प्लस होगा फिजिकल सर्च, क्योंकि यहाँ पर एक ही है कैनन और फिजिकल, दो ही सर्च करना हमारे लिए संभव हो पा रहा है और वो हम कर रहे हैं, कल भी किए थे और आज भी हम अपने कार्य को फिर आगे निरंतर आगे रखेंगे आज भी सर। ट्रैक तो लंबा है, ये तो अपने आप में चैलेंज है, ऊपर से प्रकृति का कहर आती रहती है, बारिश वो भी है, लेकिन इस चैलेंजेज में हमें अपने आप को सिखाया गया किस प्रकार से अपने आप को हम ढाल के किसी भी घटित घटनाओं को अंजाम को तक पहुंचाना है, ये हमें बेहतरीन ढंग से हमें प्रशिक्षण दिया जाता है और उसमें हम माहिर हैं और हम करते भी हैं सर।